हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बाजार मल्टी वेंडर की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो बिग बाजार है, यैक नेटिव का प्रोजेक्ट है, जावा का प्रोजेक्ट है, आपके लारावेल का प्रोजेक्ट, ये मोबाइल के बड़े रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल में आप देखेंगे तो क्या जबरदस्त है, रिस्पॉन्सिव है, अपने अकॉर्डिंग ये ढल जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूआई भी मौजूद है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें क्या बैटरी चेंज किया तो इसका यूआई बिल्कुल डिफरेंट आ गया है। तो सेम इस तरीके से आप अपने जो डिफरेंट यूआई है उस वो भी आप रख सकते हैं कैटेगरी वाइज, या फिर अपना सिटी वाइज, या फिर अपना एरिया वाइज रखना चाहे वो रख सकते। देखें जैसे ब्यूटी का मैंने चूज किया, ब्यूटी का यूआई बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से बैग का चूज किया, बैग की कैटेगरी तो बिल्कुल इसका यूआई डिफरेंट है। अब स्मूथली क्या चलता है ये। इस तरह से आप क्लॉथिंग का देखें तो क्लॉथिंग का भी आपको जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्लॉथिंग के अंदर आप जो वेरिएशन है, मल्टी वेरिएशन के मतलब कलर्स वगैरह है, ये साइज वगैरह है, ये चीज भी आप चूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। इस तरह से फर्नीचर्स की बात है तो फर्नीचर्स का यूआई भी बिल्कुल डिफरेंट है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, टोटल ये डिफरेंट है। तो जैसे आपको नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग आप के लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। ये डेली नीड्स की चीजें है, या आपका जो डेली नीड्स सब्जी वगैरह है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह है, फिश है, तो जो भी डेली नीड्स की चीजें है वो चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेन कैटेगरी टू सब कैटेगरी का मेंशन किया हुआ है, फिर सब कैटेगरी के अंदर दिया हुआ है। देखिए कितना जबरदस्त यूआई है। इस हिसाब से जब आप इसका ये चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अगर आप अपना कस्टम यूआई भी चाहते हैं या कस्टम डिजाइन भी चाहते हैं तो वो डिजाइन भी पॉसिबिलिटी है, की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आगे चले तो यहाँ पे इसका जो होम पेज का जो यूआई है वो यूआई जबरदस्त है। इसमें आपको पॉपअप का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो पॉपअप का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलता है, आप नीचे देखेंगे उसको रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, सेम इस तरह से क्लॉथिंग में जब जाएंगे, क्लॉथिंग के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, वो वेरिएशन अगर आप देखना चाहें यहाँ पे कलर्स हो गया, साइज वगैरह हो गया, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भी आप क्लॉथिंग में बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टी कलर एंड मल्टी साइज चूज करना होता है। अगर आपका सिंगल वेरिएशन का है तो आपको चीज की जरूरत नहीं पड़ गई। ये आपका चेकआउट का पेज है, चेकआउट पेज बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पे आपका लॉग इन पेज आ जाता है, लॉग इन आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना मोबाइल से कर सकते हैं, और इसके अलावा गेस्ट गेस्ट यूआई से भी कर सकते हैं। और रजिस्टर की जहां तक बात है तो रजिस्ट्रेशन आप अपने अकॉर्डिंग चाहे मोबाइल से करें या ईमेल आईडी से करें, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। बिल्कुल ये इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल मक्खन की तरह से एकदम, ठीक है, लुक भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, यहाँ पे आपको डिले नहीं होता, डिले ना होने की वजह से क्या है, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, सिंगल कॉलम का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से सिंगल पेजेस है इसके अंदर सारी चीजें, और इसकी वजह से आपको टाइम नहीं होता। ठीक है, सेम इस तरह से आपको देखिए एक चेकआउट का फॉर्म है, यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, और डेली शेड्यूल है। डेली शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप 90 मिनट में डिलीवर करेंगे, या आपका 8 से लेकर 11 बजे के बीच में डिलीवर करेंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को जो है ना मैनेज कर सकते हैं कि आप दिन में कितने बजे डिलीवर करेंगे। ये सिर्फ ग्रोसरी के लिए बेटर होता है, बाकी क्लॉथिंग वगैरह के लिए इसके नीड नहीं है। अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो आप इसको बटन से डिसेबल भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जब हम चेकआउट के पेज पे जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है वॉलेट का और पॉइंट करेंसी का, और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हैं, या स्वाइप से कर सकते हैं, कार्ड वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी पेमेंट गेटवे की अगर आपको नीड है तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीजें कस्टमाइज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
जब आप ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर का प्लेस हो जाएगा। हाँ, जहां पर नहीं बाकी वॉलेट की, तो वॉलेट में कैशबैक वगैरह भी दे सकते हैं, क्लाइंट को कैशबैक वगैरह का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका ऑर्डर जो प्लेस हो चुका है, अब ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस अगर आपको चेंज करना हो, कुछ ऐसी चीजें जो इसमें हटाना हो या कुछ ऐसी चीजें जो इसमें बढ़ाना हो जो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग हो, तो भी चीजें की जा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर आपका जो ये हुआ है डिलीवर हुआ है, तो ये आपका डिलीवरी टाइम मेंशन कर दे एक्सप्रेस के थ्रू है। यहाँ पे जो ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो ऑर्डर रिसीव का है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का है, रेडी टू डिस्पैच का है, इस तरह से ऑर्डर डिस्पैचिंग का है। तो ये जो प्रोसेस है, जो फ्लो है, ये फ्लो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड इसमें आपको सीओडी दिखा दिया है, तो इसे इसी तरह से आपको बिल भी मिल जाएगा। जी हाँ, ये जबरदस्त है, इसका लुक एंड फील भी बहुत जबरदस्त है, और देखो बिल्कुल सिंगल क्लिक में कितना फास्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर चाहते हैं इस तरह की चीजें बनाना या फिर डेवलप करना या सेटअप करना, तो आप मोस्ट वेलकम आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसका जो पेजेस है वो पेजेस भी जबरदस्त है, मेन कैटेगरी सब कैटेगरी का मेंशन किया हुआ है। हाँ, कभी भी अगर आप मेन कैटेगरी सब कैटेगरी जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगता। इसके अलावा शॉप है, शॉप के मल्टी वेंडर के साथ साथ आपका मल्टी शॉप भी है, एक वेंडर का मल्टी शॉप भी किया जा सकता है, इसके अंदर वो फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शॉप का जो यूआई है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, देखने के तो खूबसूरत सा यूआई है। ये आपका जितना चाहे प्रोडक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं, ये इस तरीके का यूआई का आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप शॉप को सेलर्स ज्वाइन करते हैं तो सेलर्स ज्वाइन करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेलर्स यहाँ पे अपना जस्ट मेल आईडी डालेगा और मेल आईडी डाल के मेल आईडी पासवर्ड डाल के ये लॉग इन करेगा। ठीक है, तो लॉग इन करके एज अ सेलर इसको भी ज्वाइन किया जा सकता है। यूआई इसका जबरदस्त है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से का यूआई चाहिए उस हिसाब के यूआई के अकॉर्डिंग आप अपना काम करवा सकते हैं, कोई नहीं है। ठीक है, इसका जहाँ पर प्रोफाइल पेजेस है, प्रोफाइल पेजेस के अंदर इसका आपको देखेगा माय ऑर्डर विश लिस्ट। इसी तरीके से आप इसके जो मल्टी का अगर आप कहेंगे यानी मल्टी लैंग्वेजेस, तो मल्टी लैंग्वेजेस की भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेजेस भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज ज्वाइन का बटन दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपके ये अपना का जो माई अकाउंट का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, इसे मल्टी लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेजेस आपको नीड है वो लैंग्वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जो आपका फर्नीचर वाला सेक्शन है, इस फर्नीचर वाले सेक्शन पे आप देख सकते हैं कि जो इसका यूआई है वो यूआई बिल्कुल डिफरेंट टाइप से एकदम इसका ओपन हो रहा है। हमें मोबाइल का यूआई जानना है तो मोबाइल का यूआई चेक करेंगे, तो मोबाइल के यूआई के देखने के लिए हमें हम मोबाइल पे भी आ चुके हैं। मोबाइल पे आने का यहाँ पे हम पहले मोबाइल का देखते हैं कि मोबाइल का हमने किस हिसाब से इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी मोबाइल मोबाइल के जो लुक है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। हाँ, इसमें अगर आप चाहते हैं कि अगर सिंगल प्रोडक्ट्स ना हो कि अगर डबल प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो डबल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, किया जा सकता है। ठीक है, सपोज के यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, इस वजह से यहाँ पे मान लीजिए आपको दूसरे कैटेगरी में जाना, दूसरे कैटेगरी का आपको इस हिसाब से शो करेगा। ठीक, यहाँ पे आपका फिल्टर आ जाएगा, इस हिसाब से आपको देख रहे हैं कि फिल्टर आ गया, जूस जूस जो भी चीज आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर कैटेगरी वाइज या प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। इसे आपका मेकअप का आ गया। ठीक है, तो मेकअप का जो यूआई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, तो यूआई के हिसाब से डिपेंड करता है। चार, आप एक साथ मल्टीपल कैटेगरी का भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोसरी, क्लॉथ या फिर जो भी चीजें हैं अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल का ये यूआई बड़ा जबरदस्त है। ठीक, यहाँ पे आपका रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ रहा है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि आपका जो मोबाइल का जो व्यू है उसके अंदर ये आपको सब कुछ मिल जाता है होम पेज के अंदर। ये आपका पूरा डिटेल आ गया, मैन्युफैक्चरर डिटेल आ गया, या ऑथर का डिटेल आ गया, कुछ ऑफर्स वगैरह हैं, कुछ ऑफर्स का डिटेल आ गया, ये आपका शॉप आ गया, जितने भी शॉप्स हैं वो सारे शॉप्स इस हिसाब से आ जाया करेगा। इस तरह से ऑफर्स वगैरह जो है, ऑफर्स जो भी आप वीकली ऑफर लगाना चाह रहे हैं, कोई कोड देना चाह रहे हैं, तो आप अपने ऑफर्स को भी यहाँ पे शो करना चाहिए। जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया, क्रिसमस डे हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर किया जा सकता है। ये आपका होम पेज का यूआई है, ये आपका सर्च बार है, सर्च बार जबरदस्त सर्च बार है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे इसके अंदर का आपको मिल जाया करेगा, जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तुरंत आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है, वो ऐड टू कार्ट फंक्शन इस टाइप से है। उसके बाद आपका चेकआउट की जब बात करें तो चेकआउट का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आपके इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे कोई लेट नहीं लगता, सिंगल क्लिक है। अब जैसे सिंगल क्लिक पे क्लिक करते हैं तो तुरंत आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने मोबाइल से भी इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपका ये डैशबोर्ड, जो आपका यूजर का डैशबोर्ड है, तो आपको मोबाइल का ऐसा लगेगा कि आप मोबाइल का जो व्यू है आपको ऐसा लगेगा कि आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं। तो रही बात इसकी, ये तो आपका वेबसाइट की बात हो गई। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन ये आपका फ्लैटर पे है। फ्लैटर पर अगर नीड हो तो आपको फ्लैटर पर मिल जाएगा। अगर आपको वेब एप्लीकेशन अगर नीड होती है तो आपको वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं वो पिक बाजार का जो यूआई है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब अब चलते हैं कि हम इसके टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करें कि रिएक्ट नेटिव जो टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसका यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे मल्टीपल टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज किया हुआ है। जो सबसे ज्यादा जो यूज है वो रिएक्ट रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो यूज किया हुआ है, और नोड जीएस का यूज किया हुआ है। लैंग्वेजेस जो यूज किया है नोड जीएस का यूज किया हुआ है। इसका ये पीडब्ल्यू ने प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन, प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट क्या है, आपका एक रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट है वो भी, और उसमें क्या है कि पीडब्ल्यूए का आपको उसको भी मिलता है, ठीक है। वो उसकी जो फंक्शन होती है वो जबरदस्त काम करता है, क्योंकि वो सिंगल क्लिक पर आपका काम होता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट इतनी भारी वेबसाइट होने के बावजूद भी आपको इसमें टाइम नहीं लेता, तुरंत आप ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो सिंगल कॉलम के हिसाब से किया हुआ है, तो उसका जो यूआई है वो यूआई उस हिसाब से किया हुआ है। अगर आप इसको मोबाइल में देखें तो मोबाइल का यूआई कुछ डिफरेंट होता है, ऐप का यूआई कुछ डिफरेंट होता है। हाँ, अब रही बात इसकी कि जो टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी आपका टोटल टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ या यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा। ये सिर्फ वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, और अगर ऐप की बात करें तो ऐप आपका फ्लैटर पे बनेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी आपका लारावेल का है, रिएक्ट का है, नॉट नेक्स्टजेएस का है। इसके अलावा यहाँ पे जो हम सीएसएस वगैरह के लिए यूज करते हैं तो ये आपका यूज करेंगे, इसका अपोलो वगैरह है, रिएक्ट क्वेरीज वगैरह है, टाइप ऑफ स्क्रिप्ट की थोड़ा बहुत उसमें यूज किया हुआ है। हाँ, इसके जहां तक रही बात इसकी फीचर्स की, तो फीचर्स भी बहुत अच्छा खासा इस अंदर अवेलेबल है। सारे फीचर्स को मैं आपको दे दूंगा, जिसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे देख सकते हैं डिटेल में। मैं इसके बारे में थोड़ा टाइम आपको ज्यादा नहीं लूंगा। अब मैं आप इसका यूआई दिखाना चाहता हूँ, इसका जो यूआई एडमिन पैनल का जो यूआई होगा वो किस हिसाब से होगा। यहाँ आपका मल्टी करेंसी है, मल्टी स्टोर सेटिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो आपके ऐप की यूआई की जहां तक बात करें तो ऐप के यूआई बिल्कुल डिफरेंट यूआई है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यूआई के आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूआई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ग्रॉसरी की है तो ग्रॉसरी के लिए रख सकते हैं, बुक्स की है तो बुक्स के लिए रख सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उस हिसाब से आप इसमें कस्टम डिजाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ अभी रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू के दौरान हमें यहाँ पे सिर्फ उसके यूआई की, उसके फीचर्स की, उसके डिस्कशन करेंगे, और साथ में लास्ट में हम एक और भी ऑप्शन हम इसमें बताएंगे आपको कि अगर आप एक डेवलपर है, रिएक्ट का डेवलपर है, आप इस तरह की चीजें चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, हम ये चीजें भी आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे हम अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज दिखा रहे हैं। हाँ, इसके जो प्रोडक्ट्स की जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा खासा रिव्यू है, जबरदस्त रिव्यू है, ठीक है। तो ये आपका यूआई है, यूआई जो फंक्शन यूआई मैं आपको वही दिखा रहा हूँ अभी,
फिलहाल। और इसके बाद हम चलेंगे एडमिन पैनल पे, एडमिन पैनल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, एडमिन पैनल के जो फीचर्स हैं वो किस हिसाब से काम करता है, उसका का जो प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो उसमें जो फीचर्स मिलता है वो कैसे ऐड करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है, उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कोई इसके लिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, या यहाँ पे फिलहाल अभी जो है आपका स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, ये आपका देखें ये आपका मोबाइल का लुक है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल में डबल भी चाह रहे हैं कि डबल प्रोडक्ट्स आए तो आपको मोबाइल का लुक इस टाइप से डबल प्रोडक्ट्स का आएगा, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज करना तो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप एसयू से रिगार्डिंग बात करें तो एसयू भी बहुत लाइट हाउस का बहुत एक्सलेंट है। आप सेम इस तरह फेसबुक की भी देखें ना, फेसबुक का भी ऐसा ही आपको दिखता है, ठीक है। तो उसके स्कोर से एसयू का बहुत जबरदस्त है। अगर आप चेक करें ये चीजें तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सपोज कि मैंने इसमें चेक किया, क्योंकि एसईओ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसकी स्पीड की जहां तक बात है तो इसकी स्पीड से आप गूगल के पेज वहां पे इसका स्पीड देख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एसईओ का जो स्कोर है वो स्कोर बहुत जबरदस्त स्कोर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है इससे रिलेटेड की चीजें कि आप इसमें क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपका ये जो RNP का जो सिस्टम से वो अवेलेबल है, कैब वगैरह की चीजें हैं, इस तरह से आपका जो एड ऑन अगर आपका आता है, ये सीजनल प्राइस हिसाब से यानी डे बाय डे चाहते हैं उसके अंदर प्राइस चाहते हैं, इस तरह से टर्बो की प्लान वगैरह है, तो बहुत सारे फीचर्स के अंदर और अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमने तो ये सारी चीजें बात कर ली, आपका डिस्कशन कर ली इसके मोबाइल से, फायरबेस के थ्रू यूज करते हैं मोबाइल, तो ये चीजें भी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो खैर यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इसके फीचर्स की, तो फीचर्स तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं एडमिन पैनल की, तो एडमिन पैनल यहाँ पे आपके दो तरह की होती हैं। एडमिन पैनल, एक एडमिन पैनल आपका जो अगर आप सिंगल लैंग्वेज चाहते हैं तो सिंगल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक एडमिन पैनल है, और एक एडमिन पैनल आपको मिलेगा मल्टी लैंग्वेजेस का। अगर आप मल्टी लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो आपको मल्टी लैंग्वेजेस का आपको एडमिन पैनल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दे रखा हूँ मल्टी लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल लैंग्वेजेस। तो चले हम मल्टी लैंग्वेजेस ही यूज करते हैं एडमिन पैनल के, दोनों चीजें एक ही है, बस इसमें क्या है फीचर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो जो फीचर्स एक्स्ट्रा है, जो लेटेस्ट फीचर्स है, हम उसी पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका एडमिन पैनल किस हिसाब से काम करता है। जी हाँ, इसका एडमिन पैनल का लुक भी बहुत जबरदस्त है और इसका इंटरफेस भी बहुत जबरदस्त है। इसे मैन्युफैक्चरर है, पब्लिशर है, या जो भी चीज इसके अंदर ऑथर्स वगैरह हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बुक्स वगैरह के लिए है वो भी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है एडमिन पैनल का, ठीक है। ये आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट का क्रिएट शॉप यानी आपका जो वेंडर है उस वेंडर को आप ऐड करने का ऑप्शंस दिया हुआ है। ये क्या लोगो है आपका, यहाँ पे कवर है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, पेमेंट गेटवे वगैरह है। इसके अलावा आपका फुल एड्रेस, शॉप का एड्रेस है, शॉपिंग सेटिंग वगैरह दिया हुआ है। यानी कोई बंदा ऐसा है कि अगर वो चाहता है कि आपने शॉप पे भी सेल करे और साथ साथ आप इस मार्केट प्लेस में भी सेल करे तो भी चीजें ऐसा कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ये शॉप की, अगर डिटेल आपको ये आ गया, ये कितनी शॉप आपका एक्टिव है, कितना डीएक्टिव है, कितना शॉप जो है फिलहाल अभी काम पे है, चल रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारे डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें मल्टीपल शॉप्स की, इसका व्यूज करंट व्यूज आपको इस तरह दिखेगा, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, मैनेज करना हो मैनेज कर सकते हैं, कोई चीज एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माई शॉप, ये अगर आपका अपना खुद का शॉप है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी आपका अगर एक वेंडर, आपके वेंडर के मल्टीपल शॉप है तो भी वेंडर जो है उसको मैनेज कर सकता है। इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस किस तरह के फीचर्स हैं, प्रोडक्ट डिलीट करना है एडिट करना है, वो फंक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब रही बात है कि आप इसमें एट्रीब्यूट्स की, ये आपका प्रोडक्ट्स का ऐड करने का फंक्शन आ जाता है, आपका फीचर्स इमेज आता है, गैलरी आती है, आपका ग्रुप एंड कैटेगरी, जो मैंने आपको कहा था ना कि प्रोडक्ट्स को ग्रुप के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है,
ये आपका प्रोडक्ट के टाइप है, प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट्स है या वेरिएबल प्रोडक्ट्स है। वेरिएबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरह से साइज, मल्टी साइज, मल्टी कलर, इस हिसाब से चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइस है, प्राइस आप अपना MRP प्राइस है, सेल प्राइस है, क्वांटिटी है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये यह है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप सिर्फ B2B करना चाह रहे हैं तो B2B हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर B2C करना चाह रहे हैं B2B हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसी चीजें अवेलेबल कर सकते हैं। यानी आप सिंगल ऑर्डर भी ले सकते हैं और मल्टीपल ऑर्डर भी ले सकते हैं आज के टाइम। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट डिजिटल है, फिजिकल है, दोनों चीजें ले सकते हैं। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट कोई एक्सटर्नल लिंक से है तो भी कर सकते हैं, या फिर आपका अपना प्रोडक्ट्स जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद की बात कर ले एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स आप अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे आपका साइज का हो, चाहे आपका कलर्स वगैरह का हो, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया ग्रुप्स, जो आप जैसे बुक्स है, डेली नीड्स एंड कैटेगरी के हिसाब से आपका ग्रुप्स आ गया। इसका ये कैटेगराइज है, कैटेगराइज आप अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कैटेगरी मेन कैटेगरी हो, सब कैटेगरी हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। इसका अलावा टैग्स है, जो आप अपनी कोई वेबसाइट के लिए अगर टैग यूज करना चाहते हैं या किसी ग्रुप्स के लिए टैग यूज करना चाहते हैं, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू आप चाहते हैं वेबसाइट को रैंकिंग ले आए तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, तो जो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स है वो डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं वो भी फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बुक्स अगर आप बनाते हैं तो बुक्स के लिए ऑथर्स की जरूरत पड़ता है तो ऑथर्स का भी फंक्शन अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आ गया ऑर्डर, और इसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर स्टेटस, अभी कौन सा ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ, नहीं हुआ, ये सारी चीजें फंक्शन भी चीजें कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपका ऑप्शन है आप अपने हिसाब से भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, यानी जो ऑर्डर की जो स्टेटस है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अगर हम बात कर लें आपका क्रिएट ऑर्डर पे, अगर आप अपना खुद का भी ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यानी आप POS की बात कर रहे हैं, POS के थ्रू अगर आप खुद से एज ए एडमिन का ऑनर ऑर्डर करना चाह रहे हैं, यानी इसके अंदर दोनों फंक्शंस अवेलेबल है कि कोई बंदा ऑफलाइन भी अगर करता है तो उसकी भी क्वांटिटी एक ही साथ मैनेज हो जाएगा, और कोई ऑनलाइन करता है उसकी भी क्वांटिटी एक साथ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मल्टीपल चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अलावा कह रहे हैं ये आपका क्रिएट ऑर्डर्स या POSC है। इसके अलावा यूजर्स हैं, यूजर्स की सारी डिटेल्स अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका कूपन्स वगैरह है, नए नए ऑफर्स है, नए नए का आपका फंक्शन है, नए नए त्यौहार है, उसके हिसाब से फंक्शन ऐड करने, कूपन से ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्काउंट कूपन ऐड करना चाह रहे हैं, वो फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसका टैक्सेशन की बात है, टैक्सेशन कंट्री के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है, चाहे वो का GST का हो, चाहे वो आपका कैनमिकिंग का हो, चाहे वो आपका किसी भी टाइप का टैक्स हो, तो टैक्स आप अपने अकॉर्डिंग टैक्स ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, टैक्स का नाम डालेंगे, रेट डालेंगे, कंट्री डालेंगे, सिटी डालेंगे, जिप कोड डालेंगे, टैक्स ऐड कर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लें आगे की तरफ, तो आगे यहाँ पे आपका शिपिंग मेथड है, यानी आप अपना शिपिंग मेथड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शिपिंग मेथड यानी आपका फ्री शिपिंग है, आपका पेड शिपिंग है, या आपका कॉस्टिंग अपना खुद का शिपिंग है, तो इस हिसाब से भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। यानी शिपिंग चार्जेस की बात कर लें, शिपिंग चार्जेस वगैरह। इसके अलावा विदड्रॉ की बात है, तो विदड्रॉ जो आपका सेलर्स हैं, सेलर्स विदड्रॉ की रिक्वेस्ट वगैरह डालता है तो उसके लिए। इसके अलावा रिफंड की बात है, रिफंड अगर कोई प्रोडक्ट्स किए हुए हैं उसका रिफंड का रीजन क्या है, कस्टमर ने क्यों रिफंड किया, ट्रैकिंग नंबर क्या है, क्रेडिट इसका डेट क्या है, स्टेटस क्या है, एक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है। इसके अलावा रिव्यू है, प्रोडक्ट्स के रिव्यू है, बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्ट्स का कौन कौन से रिव्यू किसने दिया है, कोई अगर रिव्यू अगर बैड रिव्यू है तो आप रिव्यू को डिलीट भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिलीट एंड कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, जो क्वेश्चन का है, कोई चीज कोई बंदा किसी प्रोडक्ट्स के बारे में कोई चीज पूछ रहा है या उसके बारे में वो जानना चाह रहा है तो भी चीजें वो जान सकता है, पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। जैसे सपोज के ये प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स के बारे में कोई बंदा इंक्वायरी चाह रहा है तो इंक्वायरी भी पॉसिबिलिटी है, वो सारी इंक्वायरी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात कर लें तो रिव्यू आ गया, ये आपका आ गया सेटिंग, यहाँ पे ये सेटिंग आपकी वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट की सेटिंग है, यहाँ अब अपने लोगोस वगैरह है, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह है। तो ये सारे फंक्शंस थी जो फंक्शन के रिगार्डिंग हमने आपका डिस्कशन किया है। अब रही बात ये कि अगर आप ऐसे डेवलपर हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइप की चीजें बनाएं, तो उसके लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप ऐसे कस्टमर के हिसाब से अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई चाहते हैं उसके अंदर या सेटअप कराना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, हाफिज।